तो खबर अब श्रीनगर के कुपवाड़ा जिले से, जहां आज सुबह केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि केरन सेक्टर के ग्रामीण इलाके में पिछले दो दिन से कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और वे वापस पाकिस्तान जाने की फिराक में है। सूचना मिलने के बाद सेना ने केरन सेक्टर में अपना जाल बिछाया और आतंकवादियों को घेरने के बाद फायरिंग शुरू कर दी गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद आखिरकार सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। तो केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने और दो आतंकियों के मारे जाने की घटना की और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इश्वाक गोहर। तो इश्वाक, बताएं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, केरन सेक्टर में आर्मी को बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी है जब एक मिलिटेंट ग्रुप को उन्होंने चेज किया जो फॉरेस्ट एरिया में पिछले दो तीन दिन से बैठा हुआ था, और आर्मी को कंफर्म खबर ये थी कि ये ग्रुप, जो मिलिटेंट ग्रुप है, ये वापस पाकिस्तान जाना चाहता है, और उन्होंने इस पूरे एरिया का ट्रैक रखा हुआ था। और कल रात ही जो ही ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया 7 गढ़वाल आर्मी रेजिमेंट की तरफ से, तो मिलिटेंट्स की तरफ से आर्मी पर फायर खोला गया जिसको रिटेलिएट किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 मार गिराए गए हैं। आर्मी सोर्सेज का मानना है कि 4 से 6 लोगों का ग्रुप है। अभी 2 लोगों की लाशें मिली है, 2 मिलिटेंट्स की लाशें मिली है, और आज सुबह से भी इस पूरे केरन सेक्टर का जो फॉरेस्ट एरिया है इसे सील किया गया है। 7 गढ़वाल और एडिशनल ट्रूप्स को लगा दिया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस इनपुट आर्मी को मिला था कि ये ग्रुप इस फॉरेस्ट एरिया में बैठा हुआ था, पिछले 3 दिन से बैठा हुआ था, और ये वापस पाकिस्तान जाने की फिराक में था। इन्होंने अपना टेन्योर यहाँ कंप्लीट किया था, तो उसी इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए आर्मी ने कल ही इस पूरे एरिया का सील किया था, सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ है और जो अभी भी जारी है।